हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे व्यंजन संधि जो व्याकरण का चैप्टर नंबर 4 है। देखो बेटा, इसमें क्या है, व्यंजन संधि में किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। इसका मतलब क्या है, स्वर अथवा व्यंजन दोनों का जब मेल हो जाता है उनसे जो परिवर्तन आता है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि। जैसे लिखा हुआ है त्रत प्लस लीन तो क्या बनता है, तलीन। सत पर जन तो क्या बनता है, सज्जन। इसके कुछ नियम्स हैं बेटा, वो आपको नियम ऐसे ही फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ प्लस अंबर, दीर्घ का आपने लास्ट का देखा क, अगर क है क च त आएगा तो इसका तीसरा वर्ण साथ में लेके जाना है, क च त के साथ। क ख ग तीसरा व्यंजन, तो दीर्घ प्लस अंबर क्या बन गया, दिगंबर। मतलब क है क का ग बन जाएगा, च का ज बन जाएगा, त का द बन जाएगा। जैसे उद्घाटन क्या बन गया, उद्घाटन, त का द। वर्ण वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, क क का क्या बन गया, ड। आप देखोगे कि आपकी जो संधि किस अकॉर्डिंग चल रही है, वर्ग प्लस में तो वर्ड में है, त्र प्लस न, त्र का न, ट का न, त्र का न, त। अगर त है तो संधि नियम क्या बनेंगे, त का त प्लस च है, त्र प्लस छ है। ये टेबल आपको बेटा एज इट ही याद करना पड़ेगा। आगे है म संबंधी, म के बाद क से म तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण ड न न न म में बदल जाता है। जैसे अहम प्लस अकार क्या बन गया, हंकार। उसके बाद म के बाद यदि य र ल व श श स स तो हो तो क्या बन जाता है, म। म के बाद यदि म ही हो तो क्या बन जाता है, वो म ही रहता है। अगर ऋषि रे शय हो न हो तब भी किस में चेंज हो जाता है, न में। तो बेटा ये टेबल है तो इनको आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। ये कुछ नियम्स होते हैं, वो हम उसको ऐसे ही फॉलो करते हैं। उसके बाद क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग कहलाता है। जैसे मन प्लस रथ क्या बन गया, मनोरथ। दु प्लस जन क्या बन गया, दुजन। विसर्ग संधि के कुछ नियम क्या है, देखो जैसे अपने पास स्वर के व्यंजन के थे ऐसे ही विसर्ग के कुछ नियम हैं। श स स परिवर्तन हो तो च, च जब छ हो तो श बन जाता है, क ख हो ट ठ हो, प फ हो तो श्र बन जाता है, थ हो तो वो स बन जाएगा। नी शल तो क्या बन गया, ये देखो निशल। दु प्लस चरित्र तो क्या बन गया, दुश्चरित्र। च और श। इसके बाद क्या है, विसर्ग का र में परिवर्तन होता है, कब, विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो जाएं, बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व हो में कोई वन हो तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे दु प्लस गुण क्या बन गया, दुर्गुण। पुन प्लस जन्म तो क्या बन गया, पुन जन्म। विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, ओ में कब होएगा, जब अ ब हो। मन प्लस रंजन क्या बन गया, मनोरंजन। अ प्लस र मन, लास्ट की साउंड देखो अ रंजन, अ प्लस र क्या बन गया, ओ। उसके बाद है विसर्ग का लोप होना, विसर्ग कब लोप होएगा, विसर्ग से पहले
हसफ स्वर तथा बाद में र होने पर ह स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे नी प्लस रस। देखो पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो नीरस बन गया, इसका क्या बन गया, नीरज बन गया। संधि विशेष, संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संसार को हम कैसे लिखते हैं, ये पहले हमने क्या करा था, शब्द बनाया था, शब्द से हम इसको अलग अलग करेंगे। सम प्लस हार, तपोबल, तप प्लस बल।